दोस्तों क्या आप लोग सिस्टम बनवाने जा रहे हो या लैपटॉप परचेस करने जा रहे हो, तो उसमें क्या आप सबको एसएसडी यूज करनी चाहिए या हार्ड डिस्क लगानी चाहिए? अगर गेमिंग करते हो तो क्या लेना चाहिए? वीडियो एडिटिंग करते हो तो क्या लेना चाहिए? नॉर्मल बंदे हो तो क्या लेना चाहिए? इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है, एक एसएसडी और एक एचडीडी। और बजट कम है तो क्या आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा? आज की वीडियो में एकदम इन डिटेल्ड सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ, दोनों को एकदम टक्कर करने वाला हूँ, कंपेरिजन करने वाला हूँ कि क्या आप सबको सिस्टम बनवाने जा रहे हो। ये वाली वीडियो मैं इंफॉर्मेशन वाली बहुत लाते रहता हूं अपने चैनल पे आप सबकी इंफॉर्मेशन गेन के लिए। बाकी तो जो लोग मैं इनको नहीं जानता, सो मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां पे हम टेक रिलेटेड काफी कमाल की नेक्स्ट लेवल यहां पे टेक रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। और जो जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज क्यों कह रहा हूं, बहुत सीरियस होकर कह रहा हूं, प्लीज यार, क्योंकि 99% लोग मेरे को देख तो रहे हैं, व्यूअर्स देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों यार, क्यों ये, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज, ये वीडियो होना पसंद आएगी ना, इंफॉर्मेशन देखो एक इंफॉर्मेशन रिसर्च के साथ होती है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। तो सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो पहली चीज नहीं है ये एसएसडी और एचडीडी क्या होता है, जल्दी से बताऊं। सो एचडीडी सिंपल फॉर्म में इसका एक्चुअली फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये एक तरह का स्टोरेज टाइप है, और ये 50 साल पुरानी मेथड है। मतलब इसके अंदर ना आप सब को मूविंग पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक सीडी होती है, प्लेट टाइप की डिस्क होती है, वो घूमती है, और बेसिकली ये डिस्क में ना आप सब अपने स्टोर डेटा, जो भी डेटा होता है जैसे गेम्स, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीजों को स्टोर कर सकते हो। और ये जो स्टोर करके रखता है ना डेटा, ये मैग्नेटिक डिस्क के थ्रू करता है, इसका एक टेक्निकल वर्ड है, उतना डिटेल में जाऊंगा। देखो सिंपल सीधा मैंने बताया कि एक एचडीडी क्या होता है, वही मैं बात करूं एसएसडी क्या होता है, तो देखो ये भी एक टाइप का सिमिलर स्टोरेज टाइप ही होता है, बट ये एक नेक्स्ट जनरेशन स्टोरेज टाइप है। मतलब एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये वाला जो डिस्क होता है ना, ये फ्लैश मेमोरी पे वर्क करता है। मतलब आप सीधा सिंपल समझो कि हार्ड डिस्क पुराना है और एसएसडी नया जनरेशन का है, तो वो बहुत तेज चलेगा, रीड एंड राइट स्पीड तेज होगी, वीडियोस, सारी चीजें, आप सबका सब कुछ काम तेजी में होगा। इन दोनों का आप सबको मतलब तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। देखो हार्ड डिस्क में भी ना आप सबको दो टाइप मिलते हैं, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है, एक इंटरनल हार्ड डिस्क होता है। एक्सटर्नल की बात करूं तो एक तरह का फिजिकल हार्ड डिस्क होता है, वो आपके इनबिल्ट सिस्टम में नहीं लगता है, आप सबका अगर सिस्टम में स्पेस भर जाता है तो आप सब एक एक्सटर्नल एचडीडी का यूज कर सकते हो बाहर से ही। मतलब मेरे पास भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप का रहता है। और वही मैं बात करूं इंटरनल हार्ड डिस्क की, तो जब भी आप सब पीसी बनवाने जाते हो तो इंटरनली एक हार्ड डिस्क लगता है जिसमें आपका स्टोरेज टाइप रहता है, तो उसी को बस इंटरनल हार्ड डिस्क कहते हैं। सिमिलरली एसएसडी में भी होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एज सिंपल एज दैट। और हाँ, इंटरनल एसएसडी में ना आप सबको छोटे रैम साइज की ना SSDs होती है, NVMe M.2 कहते हैं उसको, मतलब बहुत टेक्निकल हो जाता है, वो बहुत तेज होती है। अगर आप इंटरनल SSD इनबिल्ट RAM जैसी होती है उसको अगर आप इंस्टॉल कराते हैं अपने सिस्टम में। बट मेन आता है दोनों का डिफरेंस, यार SSD और HDD में डिफरेंस क्या होता है ऐसा। सबसे पहले डिफरेंस की बात करूं तो सबसे पहला होता है प्राइस का। SSD की प्राइस की बात करूं तो अगर आप 1 TB का SSD लेने जा रहे हो तो 8 से 10, 12, 15 हज़ार के बीच में रहता है, डिपेंड्स ऑन हिज ब्रांड। और वही अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं तो सिमिलरली इसका प्राइस काफी लो होता है, बिकॉज 50 साल पुरानी जनरेशन है और ये एक बेसिकली स्टोरेज टाइप करना होता है, तो हार्ड डिस्क नॉर्मली बहुत सस्ते होते हैं, उससे आधे रेट में मिल जाएंगे। एसएसडी जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा महंगे मिलते हैं, आप जितनी स्टोरेज ज्यादा लोगे उतना आप सबको पैसा पे करना पड़ता है। एसएसडी में आप सब फ्लैश मेमोरी के थ्रू रीड राइट स्पीड बहुत तेज मिलती है। और हार्ड डिस्क की बात करूं तो हार्ड डिस्क में आप सबको पुरानी जनरेशन की 50 साल की ओल्ड टेक्निक यूज होती है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, उसमें अंदर से ना डिस्क घूमती है, बस उसी के थ्रू उसकी रीड राइट स्पीड होती है सब कुछ। और देखो इन दोनों का बहुत सिंपल एग्जांपल आप सबको बताऊं, बहुत जल्दी समझ जाओगे। ये आप सब वीडियो देख सकते हो, एक सिस्टम में आप सब देख सकते हैं, एक में एसएसडी लगी और एक में हार्ड डिस्क लगी है, करके दिखाता हूं, मतलब सिस्टम को ऑन करके देखता हूं कि कितनी जल्दी होता है। बट आप सब देख सकते हैं एसएसडी एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क कितना तेज होता है, अगर आप सब एक एसएसडी अपने सिस्टम में लगवा लेते हैं, बूटिंग स्पीड हो गई, ओवरऑल जो ना बूस्ट होता है ना एक आपके सिस्टम को, एसएसडी से वो बूस्ट मिल सकता है, बट हार्ड डिस्क से वही चीज उतना नहीं
इफिशियंट नहीं होता। प्लस बात करूं एसएसडी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, कहीं भी ले जा आ सकते हो और डैमेज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। वही बात करूं हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क ना थोड़ा बड़ा होता है और इसकी डैमेज होने के ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर एक बार गिरा तो वो पूरा टूट तितर बितर हो जाएगा। और एक और डिफरेंस बताऊं, एसएसडी को जब भी यूज करोगे तो एसएसडी में नॉर्मली आवाज नहीं आती है, बट हार्ड डिस्क को जब भी आप यूज करोगे एसएसडी को तो उसमें से ना एक चीज घूमती है, अंदर का जो पार्ट है ना मूविंग पार्ट होता है, तो उसकी वजह से ना वो आवाज करता है। बट मेन आता है यार पंकज भाई यूजेस क्या है इन दोनों के, तो देखो सिंपल सीधी भाषा में बताऊं, आप सब अगर हार्ड डिस्क ले रहे हो तो आप सबका पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, मतलब आप सबको स्टोरेज चाहिए, बस स्टोरेज ही आप सबकी मेन प्रायोरिटी है। तो स्टोरेज वाइज ना अगर बस स्टोरेज देख रहे हो और प्राइस एक बड़ा सेगमेंट बनता है आपके लिए, तो मैं डेफिनेटली आप सबको बोलूंगा हार्ड डिस्क लेना, उसमें आप सबको कम प्राइस में ज्यादा स्टोरेज आपको मिलती है। वही मैं बात करूं एसएसडी की, एसएसडी किस लोगों को लेना चाहिए यार, देखो जो थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करता है, जो अपने सिस्टम में गेमिंग करना चाहता है, थोड़े ऐसे प्रोफेशनल टास्क करना चाहता है जिसमें एफिशिएंसी बढ़े, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा एसएसडी। एसएसडी अगर आप लगवा लोगे ना, आपको एक्चुअली भी आंखों के सामने पता चलेगा कि एकदम से जो एप्लीकेशन ओपन होगी, आप सब एप्लीकेशन बहुत सारे ओपन करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, ये सारी चीजों में एसएसडी जो है ना हल्की बूस्ट करता है, तो डेफिनेटली आप सबको यूजेस पता चल गया होगा। बट एक चीज और आता है पंकज भाई, स्पेशली अगर मैं गेमर हूं या गेमिंग करना चाहता हूं तो क्या आप सबको रिकमेंड करूंगा यार, स्पेशली गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है या कुछ भी हाई रे ट्रेसिंग जैसी गेमिंग खेलनी है, तो उसके लिए आराम से आंख बंद करके एसएसडी ले लेना। बट ऐसा नहीं है कि यार हार्ड डिस्क लगा लोगे तो क्या चलेगा ही नहीं, चलेगा, वही होता है लैग करेगा, अटक के चलेगा, वो गेम को पूरा ओपन होने में ही टाइम लग जाएगा, तो वही फर्क आ जाता है अगर एसएसडी लगा लोगे तो गेम का जो ओपन होने का टाइम होता है ना वो पूरा कट हो जाता है। और क्या, और पंकज भाई एक चीज और बता दो यार, लैपटॉप के लिए अगर लैपटॉप बनवा रहे तो क्या देखिए, क्या एसएसडी में देखिए या हार्ड डिस्क में? देखो मैं रिकमेंड करूंगा, आजकल के देखो लैपटॉप्स आ भी रहे हैं ना, उसमें प्रीबिल्ट एसएसडी ही इंस्टॉल्ड आ रही है, कुछ कुछ होते हैं जिसमें दोनों ही आ जाते हैं बट उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 120 GB वाला भी ले लो। मेरे सिस्टम में खुद लगा हुआ है 120 GB वाला एसएसडी, बट बहुत ज्यादा मेरे को हेल्पफुल रहता है। तो लैपटॉप बनवाने जा रहे हो उसमें भी एसएसडी देखो, भले काम कम, हाँ बट वही है अगर आपका प्राइस एकदम लो है तो फिर तो यार हार्ड डिस्क से ही आप सबको काम चलाना पड़ेगा। मेरा क्या रिकमेंड रहेगा कि अगर आप पीसी बिल्ड करा रहे हो तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप दो चीज लगवा लो, एक तो 120 GB की एक सबसे कम लोवेस्ट एसएसडी लगवा लो जिसमें आप सबका सिस्टम रन करेगा, और एक ले लो आप सब 500 GB या 1 TB की हार्ड डिस्क, वो आप सबको जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना बड़ा मस्त बनेगा और आपका सिस्टम मक्खन एकदम रॉकेट बन जाएगा। ये पर्सनली मेथड मैं अपने खुद सिस्टम में कर रखा हूं, मैं खुद एक एसएसडी और एक हार्ड डिस्क रन करता अपने सिस्टम में, तो यार डेफिनेटली आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप सबको जवाब दिए। अब मुझे नहीं लगता है कि आप सबको कोई भी इन दोनों के बीच में आप सबको मतलब रह गया होगा कि यार क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और कुछ भी रह गया अभी भी तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, वहां पे भर दो आपके सवाल, मैं जवाब दे दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई है ना, मैं थोड़े बहुत ऐसे इंफॉर्मेशन लाते रहता हूँ, क्योंकि यार देखो इंफॉर्मेशन इज द की ऑफ सक्सेस, तो समझ रहे हो आप, बस यही चीजों को मैं भरोसा कर रहा हूँ, बाकी आप ही भरोसा कर रहा हूँ, लाइक करके जाओगे यहाँ तक देखे हो, वेट सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, आपसे ही बोल रहा हूँ प्लीज। बाकी हम मिलते हैं ऐसे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देख लो हमारी लेटेस्ट वाली, और मिलते हैं हम आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।